में देखिए बिहार में अब मनमाने तरीके से लोग नहीं करा सकेंगे बोरिंग, इस विभाग से लेना होगा एनओसी। यहाँ देखिए राज्य में बारिश खत्म होते ही हर वर्ष भूजल का स्तर गिरने लगता है और गर्मी में सरकारी चापाकल एवं निजी बोरिंग तक पानी छोड़ने लगते हैं। वही देखिए राज्य सरकार के स्तर पर हाल ही में हुए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में जिलों से मिली हर रिपोर्ट की गहन समीक्षा के बाद एक बेहद अहम निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद अब धड़ल्ले से हो रहे निजी बोरिंग पर अंकुश लगाया जाएगा, वहीं पुराने सभी बोरिंग की गिनती की जाएगी। इस काम को लघु जल संसाधन विभाग, कृषि पीएचडी और पंचायती राज विभाग मिलकर करेंगे। वहीं देखिए सर्वे के दौरान पीएचडी अधिकारी निजी, सरकारी और कृषि बोरिंग की गिनती भी करेंगे ताकि पानी की उपलब्धता और उसकी खपत की रिपोर्ट तैयार करेंगे। वहीं बोरिंग के लिए पानी का उपयोग करने में किस तरह की कार्रवाई होती है इसको लेकर भी रिपोर्ट तैयार होगा। इस काम को करने के लिए शहरी क्षेत्र में नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया को जिम्मेदारी दी जाएगी। वहीं निजी बोरिंग करने के लिए एनओसी भी लेना होगा और इस संबंध में निगरानी की जिम्मेदारी सभी डीएम को सौंपी जाएगी। वहीं देखिए अधिकारियों के मुताबिक पहले चरण में जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा, नवादा, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर, बांका, जमुई, नालंदा, पटना, दरभंगा में वाटर मैकिंग की जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है और इन इलाकों में तकनीक से सभी पानी की जाँच होगी। शिखर में देखिए स्टेशन पर अब नहीं करना होगा इंतजार, अब 20 किलोमीटर दूर से बुक कर सकेंगे जनरल रेल टिकट। पटना जंक्शन पर शुरू हुई सुविधा। यहाँ देखिए बिहार में रेल से सफर करने वाले यात्रियों को अब पहले से अधिक सुविधा मिलने जा रही है। अब रेल यात्रियों को जनरल टिकट लेने के लिए घंटों लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब राज्य के रेल यात्रियों को रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर दानापुर मंडल ने यूटीएस ऐप से अनारक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए तय की गई दूरी को बढ़ा दिया गया है। दरअसल अब जनरल टिकट लेकर सफर करने वाले यात्री अब अपने मोबाइल के के जरिए यात्रा शुरू करने से पहले स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से ही टिकट बुक करा सकेंगे। हालांकि इससे पहले भी रेल यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन उसमें यह सुविधा ऐप पर 5 किलोमीटर के दायरे में ही मिल पाती थी। इस सुविधा का लाभ मिलना शुरू हो गया है। रेलवे मंत्रालय के निर्देश पर पूर्व मध्य रेलवे में इसकी शुरुआत कर दी गई है। देखिए बिहार में 77,000 शिक्षकों की नौकरी से निकालेगी नीतीश सरकार, इस कारण बर्खास्त होंगे टीचर, ऊपर से केस भी होगा। याद देखिए बिहार में सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित 77,057 शिक्षकों को बर्खास्त किया जाएगा, साथ ही इन्हीं शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज होगा। वही देखिए सरकारी स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल होने वाले शिक्षकों पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा लगातार कार्रवाई जारी है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने शिक्षक के विरोध एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मांगी है। दरअसल शिक्षकों से कई बार प्रमाण पत्र मांगे गए, लेकिन शिक्षक उन्हें उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। विभाग ने योग्यता सूची के आधार पर शिक्षकों के अंक पत्र की जाँच करने का आदेश दिया है। खबर में देखिए देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में पांचों बिहार के टॉप पर पहुंचा पूर्णिया। याद देखिए बिहार के शहर देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में टॉप पर है। बुधवार को केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप पांच शहरों में पांचों बिहार के है। इसमें देश भर में सबसे ज्यादा प्रदूषित पूर्णिया में है, जिसका इक्यूआई 450 दर्ज किया गया है। वही 400 से ज्यादा इक्यूआई प्रदूषण का खतरनाक स्तर माना जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक ही होता है। वहीं देखिए पूर्णिया के अलावा दरभंगा दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा है। बाड़ीघर में देखिए बिहार में नए साल से ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप होगा जरूरी, 4 साल में मिलेगी डिग्री। याद देखिए राज्य में नए साल से स्टूडेंट को किताबी ज्ञान के साथ अनुभव और सीखने पर जोर दिया जाएगा। इसके लिए अंडर ग्रेजुएट में सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए समर टर्म के दौरान 4 क्रेडिट वर्क प्राप्त करना होगा। लर्निंग आधारित इंटर्नशिप से गुजरना होगा। 2 सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट इंटर्नशिप कर सकते हैं। यूजीसी ने यह बदलाव नीति नई शिक्षा नीति के तहत किया है। यूजीसी ने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, इसे लागू कर दिया गया है। सभी यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार को इसे भेज दिया गया है। नए नियमों के ड्राफ्ट के अनुसार ग्रेजुएट कोर्स में अब इंटर्नशिप भी जरूरी होगी। देखिए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार के विभागों में 9.89 लाख पद खाली। जहाँ देखिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में करीब 9.89 लाख पद खाली है। सरकार ने बुधवार को लोकसभा को जानकारी दी है। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि वह विभाग के भुगतान अनुसंधान विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार
केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय विभागों में 989,327 पद खाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि खाली पदों को भरना एक सतत प्रक्रिया है जिन्हें केंद्र सरकार के मंत्रालयों विभागों या संगठनों की जरूरत के आधार पर भरा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने खाली पदों को समय पर भरने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है जिन्हें रोजगार सृजन के साथ साथ युवाओं को अच्छे अवसर दिलाने व राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ाने में प्रेरक के तौर पर काम करने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ऐलान, 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार पर तेजी से हो रहा है काम। यह देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में तेजी से सभी विभागों में नियुक्तियां की जाएगी, 10 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख लोगों को रोजगार देने पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि शीघ्र ही नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा कराए। इस बात पर नाराजगी भी व्यक्त की है कि वह जितनी तेजी से नियुक्ति करना चाह रहे हैं उस हिसाब से पदाधिकारी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं आगे देखिए, सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार विशेष राज्य का दर्जा दी होती तो यहाँ और तेजी से विकास हुआ होता, पर राज्य अपने दम पर सभी लोगों के विकास का काम कर रहा है, यहाँ कोई गरीब नहीं रहेगा, सबके तरक्की उत्थान के लिए काम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नियुक्ति में महिलाओं की अधिक संख्या देखकर काफी खुशी होती है। बिहार में महिला पुलिस की संख्या 29,000 हो गई है, इतनी महिला पुलिस देश के किसी और राज्य में नहीं है। राज्य में प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर होगी कार्रवाई। शहर में कूड़ा कचरा जलाते या बिना कवर निर्माण कार्य करते पकड़े गए तो 5 से 25,000 तक जुर्माना लगेगा। यह देखिए, लगातार बढ़ रहे प्रदूषण स्तर को देखते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने अब सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। अब प्रदूषण फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई के लिए विभाग के द्वारा सभी निगम और जिलाधिकारी को पत्र लिखा गया है। प्रदूषण फैलाते पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं देखिए, नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कूड़ा कचरा जलाते पकड़ा जाता तो उस पर जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम सभी अंचल में टास्क फोर्स टीम को अलर्ट कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शहर में कूड़ा कचरा जलाते या बिना कवर निर्माण कार्य पकड़े गए तो 5 से 25,000 तक जुर्माना लगाया जाएगा। देखिए, बीपीएससी और बीटीएससी की प्रतियोगिता परीक्षा में 5 बार बैठ सकेंगे सरकारी सेवक। देखिए, राज्य सरकार के सेवक अपनी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग और तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अब अधिकतम 5 बार तक भाग ले सकेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को भी राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दे दी गई है। मालूम हो कि पहले अधिकतम 3 बार तक ही प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने का प्रावधान था जिसे बढ़ा दिया गया है। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना में जात ही नहीं बल्कि कास्ट सर्टिफिकेट नंबर जैसे 26 सवाल पूछेगी सरकार। देखिए, बिहार में जाति आधारित जनगणना के जनवरी से शुरू होने की तैयारी के बीच 15 दिसंबर से सर्वे करने वाले को ट्रेनिंग शुरू हो रही है। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में यह ट्रेनिंग फिर जिला स्तर पर होगी। वही 45 से 60 दिन तक इस सर्वे के चलने का अनुमान है जिसे सरकार अलग अलग जाति समूह की संख्या पता लगाएगी ताकि उनकी बेहतर के लिए सरकारी योजना बनाई और बढ़ाई जा सके। खास बात यह है कि जाति आधारित जनगणना के सर्वे में 26 कॉलम होंगे जिन्हें सर्वेक्षण टीम लोगों के सवाल पूछकर भरेगी। वही देखिए, जाति आधारित गणना में सबसे खास सवाल होगा कि जाति प्रमाण पत्र संख्या जो सर्वेक्षण टीम लोगों से पूछेगी और सर्वे फॉर्म में दर्ज करेगी। वही सूत्रों के मुताबिक लोग जिस जाति को खुद का बताएंगे उन्हें इसका प्रमाण पत्र संख्या देना होगा प्रमाण के तौर पर। साथ ही गाड़ियां है तो वो भी दर्ज होगा, कमाई कितनी है ये भी पूछा जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में अब दाखिल खारिज की नई समय सीमा तय की जाएगी, लंबित रखना गुना। जब देखिए, दाखिल खारिज राजस्व एवं भूमि से संबंधित अन्य कार्यों के निष्पादन को लेकर राज्य सरकार सख्त हो गई है। अब इसके लिए न केवल नए सिरे से समय सीमा तय होगी बल्कि उनका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं देखिए, संबंधित अधिकारियों को इस अवधि में आवेदनों को निपटाना ही होगा, इसके लिए उन पर जिम्मेवारी तय होगी, ऐसा न करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों सरकार ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो एक अंचल अधिकारी ने 142 मामले निष्पादित कर दिए जिसमें 3600 को तो अस्वीकृत कर दिया। इससे नई तरह की परेशानी खड़ी हो गई। ऐसे में सरकार ने इस मामले को व्यवस्थित ढंग से लागू करने के लिए और कारण बताने को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अब दाखिल खारिज लंबित रखना गुना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इस दिशा में पहल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 35 जोनों में अविवादित मामले को निष्पादित करने का आदेश दिया गया है।
देखकर में देख राज्य में कल से तापमान में आएगी गिरावट, बढ़ेगी ठंड। जहाँ देख राजधानी समेत प्रदेश में मंगलवार से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने के साथ ही ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है। वहीं देखिए इस दौरान प्रदेश में पछुआ हवा की गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। हालांकि पिछले 24 घंटे में पटना समेत 17 जिलों के तापमान में बढ़ोतरी हुई है। वहीं देखिए मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार प्रदेश के उत्तरी भागों में सुबह के समय कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं दक्षिण बिहार में अपेक्षाकृत न्यूनतम तापमान उत्तर बिहार के मुकाबले कम रहेगा। वहीं देखिए पिछले 24 घंटे में राज्य के 6 जिले पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सुपौल, फारबिसगंज, अररिया, कटिहार जिले के औसत न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट दर्ज की गई है। वहीं राजधानी समेत प्रदेश के 17 जिलों के औसत न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई है। बड़ी खबर में देखे राज्य में सभी निजी आईटीआई की होगी जांच। जहाँ देखे श्रम संसाधन विभाग की टीम जल्द ही राज्य में 1200 से अधिक निजी आईटीआई संस्थानों का निरीक्षण करेगी। वहीं देखे जांच में जो आईटीआई मानक पर खरा नहीं उतरेंगे उनकी संबद्धता यानी कि मान्यता समाप्त करने की अनुशंसा केंद्र सरकार से की जाएगी। आपको बता दें कि बुनियादी सुविधाओं के बगैर चल रहे आईटीआई की संबद्धता समाप्त करने का अधिकार पहले राज्य सरकार को नहीं था। इस साल केंद्र ने सभी राज्यों को यह अधिकार दिया है कि वह निरीक्षण करे और मानक के अनुसार आईटीआई करा नहीं उतरे तो उसकी संबद्धता समाप्त करने की अनुशंसा करे। बड़ी खबर में देख राज्य में स्टेशन और बस टर्मिनल के बीच जनवरी से चलेंगे रिजर्व ऑटो, 24 घंटे मिलेगी सुविधा। जहाँ देखिए पटना जंक्शन, दानापुर स्टेशन, पाटलिपुत्र जंक्शन, राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना साहिब स्टेशन से बरैया स्थित पाटलिपुत्र अंतर राज्य बस टर्मिनल जाने के लिए 24 घंटे ऑटो रिजर्व की सुविधा मिलेगी। देखिए यात्रियों को सस्ते दर पर जनवरी के पहले सप्ताह से इसकी सुविधा मिलने लगेगी। अभी यात्रियों को रात में रेलवे स्टेशन से बस टर्मिनल के लिए ऑटो नहीं मिलता है, मिलता भी है तो चालक मनमाना किराया वसूलते हैं। लेकिन अब यात्रियों को सुविधा होगी। हर स्टेशन पर 15 ऑटो रहेंगे। कुल 75 रिजर्व ऑटो को परिचालन किया जाएगा जिसमें से 100 से 300 रुपए तक किराया लगेगा। अभी चालक रात में मनमाना किराया लेते हैं। दानापुर से बरैया बस टर्मिनल जाने पर 700 से 800 रुपए तक लेते हैं। घर में देखिए 4 राज्यों को जोड़ेगा हरा भरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, बिहार में जल्द निर्माण कार्य। जहाँ देखिए वाराणसी रांची कोलकाता 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का बिहार में जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। यह एक्सप्रेसवे बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले से गुजरेगा। बिहार में एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के 162.3 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होना है। वहीं 22.4 किलोमीटर तक निर्माण उत्तर प्रदेश में होगा जबकि 22.4 किलोमीटर से सड़क बिहार के कैमूर जिले में प्रवेश कर जाएगी। वहीं देखिए राज्य में रोहतास, औरंगाबाद और गया होते हुए सड़क 184.7 किलोमीटर से झारखंड में प्रवेश करेगी। वहीं अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें कि वाराणसी रांची कोलकाता एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होगा। मुगलसराय के बाद बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया जिले से होकर सड़क गुजरेगी। वहीं झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम मेदिनीपुर, हुगली होकर सड़क हावड़ा तक जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।